हेलो स्टूडेंट आई एम मिक्सिंग योर इंग्लिश टीचर टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू यूज़ ऑफ़ शोड एंड मस्ट ओके तो मॉडल ऑफ हम पढ़ पढ़ रहे हैं बेटा तो अब जो हमने कैन कोड मे माइट पढ़ लिया है अब बात करेंगे आज हम शुड और मस्ट की शुड और मस्ट की तो आपको पता है कि आपको कॉमनली आपको जनरली आपको मालूम होगा कि जब चाहिए आता है तो हम शोड लगाते हैं और अवश्य तो वहाँ पर माइट लगा सॉरी मस्ट लगाते हैं बच्चे लेकिन कुछ रूल्स भी हैं जो कि हमें दिखाते हैं कि भाई जो शोड़े हैं हमारा यहाँ भी ला सकते हैं और मास्ट कम से हम कहीं और भी कर सकते हैं तो इनके रूल्स पढ़ेंगे और समझेंगे फिर हम इजीली समझ पाएंगे कि डिफरेंट क्या है कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे आपका अवश्य चाहिए ना शब्द अवश्य चाहिए भी ना आए लेकिन फिर भी हम लगाते हैं जिस मान लो कि तो मैं रूल्स के तो मैं रोड के रूल्स का पालन करना चाहिए तो यहाँ पे आपको लास्ट में चाहिए आ रहा है लेकिन आप लोग ऐसे करेंगे यू शोड़ नहीं वो मस्ट लगाना है कोई काम अगर हमें कंपलसरी करना होता है लीगली कानून कानूनी तौर पे तो वहाँ पे मस्ट लगाते हैं यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ओके यू मस्ट फॉलो द लॉ तो हमें फॉलो करना ही लॉ तो करना ही है यू मस्ट रेस्पेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन फ्लैग ट्रेंगुलर एट्सट्रा तो वह मस्ट आएगा ही आएगा ओके okay? ऐसे नहीं आएगा सुड़ आएगा उसमें तो बात करते हैं सुड़ का फिर मस्ट के बारे में बात करते हैं देखिए जहाँ पे आपका स्टार्टिंग में चाहिए शब्द आ जाए ठीक है कॉमन सी बात है नॉर्मल सी बात है चाहिए शब्द आ जाए आप शोर लगाते हैं और अगर अगर चाहिए आ जाए तो आप मस्ट लगाते हैं ये तो आप जानते ही हैं लेकिन जो बेटा कुछ रूल्स हैं वो रूल्स पढ़ेंगे हम लोग और फिर इसको डीपली समझ पाएंगे कि का काम शोर लगा सकते हैं फर्स्ट पॉइंट देखिए फॉर ड्यूटी ओके फॉर ड्यूटी या फिर कोई आ, कोई आ, कोई प्रॉपर बात कह रहे हैं हम लोग ठीक है या फिर किसी को कोई मॉल्ट कोई शिक्षा दे रहे हो ऐसे हम लोग वहाँ पे शुड लगाते हैं जैसे मान लो कि आपको उसके पास पत्र भेजना भेज भेजना चाहिए ठीक है तो ऐसे बोल रहा है यू शुड सेंड अ लेटर टू हिम इसे मान लो कि तो मैं अपना पार्ट याद करना चाहिए यू शुड लर्न योर लेसन तो ठीक है तो ऐसे करके ये हम लोग जहाँ पे कॉमन सी बात है जहाँ पे चाहिए आता है ना लास्ट में बेटा वहाँ पे हम लोग क्या करते है? लो हैं पे हम लोग वो ला देते हैं ठीक है शुड लगा देते हैं तो अगला पॉइंट देखिए देखिए अगला पॉइंट क्या है कि हमने इसमें क्या कर रखा है लास्ट में अगर चाहिए था आ जाए है ना आता है ना कभी कभी तो वो पास्ट में होता है बेटा आपका और पास्ट में होता है तो आपका जब पास्ट में अगर चाहिए था आ गया तो आपको वहाँ पे शुड के बाद हैब लगाना पड़ता है और एम भी थर लगाना पड़ता है कॉन्सेप्ट मॉडल का मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स उस, उसके उसमें वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी कॉन्सेप्ट बताने में सारे कॉन्सेप्ट बताने में शॉर्टेज मान लीजिए आप लोग जहाँ भी आपको बेटा मॉडल के बाद हैब लगा लगा दिखे तो जान जाइए आपको आप एम बी थर्ड लगानी पड़ेगी क्योंकि आप मान लीजिए अब आप देखिए आपने यहाँ पे चाहिए था आ गया ठीक है हमने यहाँ पे एम थर्ड लगा दी पास्ट के लिए फिर उसको ना मॉडल वर्क को तो भी फर्स्ट चाहिए ना तो मॉडल वर्क को अपनी पूर्ति के लिए हम फर्स्ट यहाँ पे हैब का सारा लेना पड़ रहा है अदरवाइज तो ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग जैसे सब जैसे मान लो हमने शोट लगा दी छोट के बाद एम थर्ड लगा देते लेकिन नहीं ला सकते आप मॉडल कोई भी मॉडल ले लीजिए उठा के फिल फील्ड छोड़ जो भी आपको आपने पढ़ी है जो भी देख लीजिए अगर आपको अभी फर्स्ट नहीं है तो वो सेंटेंस गलत है आपका ओके okay, तो पास्ट में समझ जाइए कि जहाँ पे जहाँ भी आपका चाहिए था आ जाए लास्ट में तो आपको वहाँ पे शुड हैव एम बी थर्ड या फिर आउट टू हैव एम बी थर्ड लगाना होता है ओके okay, बेटा देखिए तो मैं कल स्कूल जाना चाहिए था है ना तो यू शुड हैव गॉन टू स्कूल स्टर्डे अब तो कल की बात हो रही है और चाहिए था आ रहा है तो यू शुड हैव गॉन टू स्कूल स्टडे या फिर यू ऑट टू हैव गॉन टू स्कूल दोनों हैं ओके डोंट कन्फ्यूज ऑट टू हैव प्लस एम बी थर्ड और शुड है थर्ड ऑट टू का प्रयोग हम शुड के बराबरी करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में तो यहाँ पे आपको लगे लास्ट में चाहिए था रहा चाहिए था तो शुड हैव प्लस एम बी थर्ड लगाना आपको है जिस मान लो आप एडिटिंग कर रहे हैं या फिर आप मिसिंग वर्ड फाइंड कर रहे हैं और जहाँ आपको लगता है कि भाई शुर्ट लग रहा है और फिर शुर्ट के बाद हैब आ रहा है सॉरी शोट लग रहा है और फिर आपका क्या है शुर्ड के बाद शुरू के बाद मान लीजिए कि आपका एम बी थर्ड आ रहा है और हैब उसमें मिसिंग बर्ड है तो अगर आपको बेटा रूल्स याद है तो आप उसमें से हैब uh, को अपने कर दोगे इसमें हैव आएगा मिसिंग वर्ड इसमें हैव या आप एडिटिंग कर रहे हो एडिटिंग में मान लो कि किड है और एम बी फर्स्ट लगा रखा है तो एडिटिंग में आप लोग तुरंत ही उसे रिमूव कर देंगे रिप्लेस कर देंगे उसमें एम बी थर्ड लगा दोगे तो मॉडल शॉप्स का यूज़ बहुत जगह होता है आपका पूरा पूरी जो इंग्लिस के इर्द गिर्द घूमती है मॉडल सारी मॉडल शॉप के और इनफैक्ट जो आपके पूरी एच बी हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए सुड के लिए हम लोग क्या करते हैं देखो एक हमारा फॉर पर्पज़ भी करते हैं फोर पर पर्पज़ यूज सुड सेकेंड क्लास जैसे हमने आपने पढ़ा था कि मेकअप यूज करते हैं मे पढ़ा था ना आपने पहले जो सेकंड क्लास मे यूज़ करते हैं तो ऐसे ही ना सेम जस्ट लाइक मे ऐसे आपका खुड़ का सॉरी छुड़ का प्रयोग भी करते हैं पर्पज़ के लिए और ये बहुत ईजी समझने के लिए आपको एक सेंटेंस एक वर्ड बोलूँगा ऐसा जो आपसे याद रखेंगे हमेशा भूल नहीं पाएंगे बच्चे कहीं भी आपको ना ये शब्द मिल जाए हिंदी में कहीं ऐसा ना हो कि ओके कहीं भी आपको ये शब्द मिल जाए कहीं ऐसा ना हो कि जिसका मतलब होता है इंग्लिश में लास्ट एल ई एस टी नॉट लिस्ट एल ई एस टी लास्ट ये लिखा हुआ ना लैस्ट ये लेस्ट जहाँ पे आ जाए मान लीजिए कि आपका सोडा आने वाला है इसके बाद लैस्ट के बाद और नॉट नहीं आता कभी जहाँ लेस्ट आता है ना पर नॉट का प्रयोग कभी नहीं करते हैं ये माइंड में रखना है तो ये आपका क्या दिखाता है ये प्रवच दिखाता है उद्देश्य दिखाता है अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसमें ना कॉमन सी एक बात याद रख लीजिए जहाँ पर जहाँ पर लेस्ट आता है ना आपका उसका जो पहला पार्ट होता है वो अब मोस्टली इम्परेटिव में होता है किसमें होता है इम्परेटिव में देखिए एग्जाम्पल धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ अब देखिए वॉक स्लोली हो गया आपका एम्परेटिव हो गया इतना धीरे चलो लास्ट आ गया कहीं ऐसा ना हो लिए यू शुड फॉल ओके और एग्जाम्पल आप देख लो देखो, देखो मेहनत करो है ना एम्परेटिव तो ये मेहनत करो जैसे पढ़ाई करो एम्परेटिव तो ये मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में फेल हो जाओ तो उसने ऐसे एस, ऐसे होगा ये वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्जामिनेशन इन द एग्जाम ये फेल नहीं है मतलब फैल है ये इज जस्ट मिस्टेक एन ओके फैल आएगा एफ ई आई एल ओके अब देखिए आप लोग ना अब बात कर लेते हैं ऑटो की ऑटो का वैसे एक अगले वीडियो में आते थे कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन ये एक ही लाइन इसमें कुछ नया नहीं है और हम कभी कभी शुड़ का प्रयोग करते हैं इसकी जगह कोई दिक्कत नहीं है वैसे हम याद कर करें तो और बेटर हमारे लिए मॉडिवली यूज करते हैं ऑटो का प्रयोग आउटनी ऑटो मॉडल्टी वी यूज ऑट टू ओके और ये याद रख लें कि वी कैन आल्सो यूज शोड ऑफ ऑट टू कोई दिक्कत नहीं है मॉडर्न इंग्लिश में ये सब चल रहा है जैसे हम लोग ना मेक जो हम लोग लगा हम लोग विल लगाते हैं सेल को बोलते जा रहे हैं तो ये मॉडर्न इंग्लिश में ऑट टू के जगह पर छोड़ का प्रयोग फ्रीक्वेंटली करते आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसे मान लो कि हमें अ, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो ये हमारा ये मॉडल्टी है वी ऑट टू शरबा आवर ओल्ड पेरेंट्स या फिर वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर कंट्री ओके ये हमारी क्या मोरल्टी है नैतिकताएँ तो हम लोग यहाँ पे ऑट आप लगाते हैं बट लेकिन अगर हम छोड़ लगाएँ तो भी वो भी सही है ओके बेटा अब आ जाइए मस्ट पे ये मस्ट का प्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मस्ट कभी कभी गलती करवा देता है देखिए अब ये जानते हैं आप लोग लास्ट में तो ये आएगा बस चाहिए आएगा ये तो तुम जानते हैं जहाँ पर आएगा आप लगा दोगे आग बीच के लेकिन जहाँ पे अवश्य चाहिए ना आए हमें वो समझना है केयरफुली ओके देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर्तव्य अनिवार्यता होता है ये तो जानते हैं आप लोग संकल्प विश्वास ये सब होता है और लीगली हम किसी लीगली हमें कोई काम आ, करना पड़ता है कानून कोई कोई काम को, करना पड़ता है वहाँ पर मस्ट लगाते हैं अब देखो जहाँ पे आपको अवश्य चाहिए आ जाएगा तो आप लगा देंगे आप एक बार में लगा देंगे कि मस्ट आएगा देखिए मुकेश को यहाँ अवश्य आना चाहिए तो आप अवश्य आ रहा है तो आप लगा देंगे अपने अभी मुकेश मस्ट कम हियर ओके okay? तो जहाँ पे अवश्य चाहिए अवश्य ना आए वहाँ हमें क्या समझना है देखिए अगला पॉइंट जब कोई कार्य हमें कानून तौर पर करना पड़े वहाँ चाहिए के लिए भी मस्ट लगाते हैं ठीक है लॉजिक है जहाँ पे लास्ट में चाहे चाहिए आए लेकिन हमें लगता है कि लीगली या कानून हमें ये काम करना ही है मजबूरन करना है तो वहाँ पे हमें मस्ट ही लगाना है जैसे एग्जाम्पल देख लो हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड या वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स और एग्जाम्पल uh, सेकेंड देखो कि मान लो मैंने बोल दिया कि भाई हमें कानून का पालन करना चाहिए तो कानून जानते लॉ तो वी मस्ट फॉलो वी मस्ट ओबे लॉ तो लॉ को हमें करना तो करना ही है ना उसमें कोई गुंजाशिल नहीं है ना तो ये हमारा हो गया मस्ट uh, का प्रयोग ओके okay, बेटा कभी कभी मस्ट का प्रयोग करते हैं कभी कभी मस्ट का प्रयोग करते हैं इसे स्टूडेंट मस्ट नॉट यूज़ अनफेयर मिस इन द एग्जामिशन कभी कभी यूज करते हैं ठीक है जहाँ पे हमें बिल्कुल मना कर रहे हैं किसी काम के लिए ही मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस ठीक है ना तो कुछ नॉर्मल uh, से पॉइंट है मैंने मैंसन नहीं की आप लोग ऑर्डर ली जा, समझ जाओगे मुझे लगता है कि हमें कोई काम uh, ना करना हो जहाँ पर नेगेटिव में हम मस्ट नॉट वहाँ ही लगाते हैं यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस यहाँ पर यू यू मस्ट नॉट यूज़ अनफर्मिशन एग्जामिशन ये सब हम हाँ? यूज़ करते हैं ठीक है बच्चे अभी भी कोई डाउट तुम्हारे मन में चल रहा हो शुड और टू और मस्ट के रिगार्डिंग तो आप मुझे पूछिएगा जो तो भी आपका डाउट होगा मैं उसे बता दूंगा ओके थैंक यू